नेकोकारी सीखो, अदल के तालिब रहो। पहली तलावत ईशाया नबी का सहीफा, पहला बाप 10वीं आयत 16वीं से 20वीं आयत तक। सदूम के हाकिमों, खुदावन का कलाम सुनो। ऐ अमूरा के लोगों, हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। नहाओ और पाक हो और अपने कामों की शरारत मेरी आंखों के सामने से दूर कर दो और बदी करने से बाज आ जाओ। नेकोकारी सीखो, अदल के तालिब हो। मजलूमों की फरियाद रसी करो, यतीमों का इंसाफ करो और बेवा के हामी हो। आओ बाहम दलील करें। खुदावंद फरमाता है, और अगरचे तुम्हारे गुनाह किरमस की मानद हों, वो बर्फ की तरह सफ़ेद हो जाएंगे, और अगरचे वो अर्गवान की तरह सुर्ख हों, तो वो खून की मानद उजले हो जाएंगे। अगर तुम चाहो और तुम सुनो, तो तुम जमीन की अच्छी चीजें खाओगे, पर अगर तुम इनकार करो और सरकश हो, तो तलवार तुमको खा जाएगी, क्योंकि खुदावन ने अपने मुंह से फरमाया है। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जबूर और जमायती जवाब, जो अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। मैं तुझे तेरी कुर्बानियों की बाबत मलामत नहीं करता, क्योंकि तेरी सौखनी कुर्बानियां हर वक्त मेरे सामने हैं। मैं तेरे घर से बैल नहीं लूंगा, ना तेरे बाड़ों से बकरे। जमायती जवाब, जो अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। तुझे मेरे अहकाम बयान करने से क्या काम है? तू मेरे अहद को अपनी जुबान पर क्यों लाता है, जबकि तू तरबियत से नफरत करता है और मेरी बातों को पीठ पीछे फेंक देता है। जमायती जवाब, जो अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। जब तू ये करता है, तो क्या मैं खामोश रहूं? क्या तू गुमान करता है कि मैं तुझी सा हूँ? जो कोई हम की कुर्बानी गुजरानता है, वो मेरी ताजीम करता है। जो अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा। जमायती जवाब, जो कोई अपनी रवश को दुरुस्त रखे, उसको मैं खुदा की नजात दिखाऊंगा।